गोली मारकर की गई हत्या मामले में पुलिस ने तीन आरोपियों को किया गिरफ्तार। पुरानी रंजिश में गोली मारकर की गई थी हत्या। प्यहानी थाना क्षेत्र के निपानिया गांव में हमलावरों ने घर में घुसकर किशोर को गोली मारकर उतारा था मौत के घाट। मृतक के बड़े भाई ने हमलावर की भतीजी से प्रेम प्रसंग से किया था विवाह। इसी बात को लेकर दोनों परिवारों में थी पुरानी रंजिश। घटना के समय मौके पर पहुंचकर एसपी ने ली थी जानकारी। एसपी अनुराग बत्स ने आरोपियों की गिरफ्तारी के बारे में जानकारी दी। एसपी ने आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी के लिए पुलिस की तारीफ की तथा एसपी ने बताया कि अन्य घटना में संलिप्त आरोपियों को जल्द करेंगे गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश हरदोई से अमित कुमार राठौर की रिपोर्ट। के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा, इसमें जो अभियुक्त है, अभियुक्त की जो भतीजी है, उनका जो मृतक है उनके बड़े भाई के साथ में प्रेम विवाह हुआ था और वो लोग अभी दिल्ली में अपने परिवार के साथ वहां रह रहे हैं। उनको एक पुत्र भी है। इस बात को लेकर दोनों परिवारों के मध्य में एक रंजिश थी, कसीदगी थी, जिसको लेकर इनमें कहासुनी होती और उसके ही बाद उस क्रम में अभियुक्त ने इस व्यक्ति के जो मृतक है उसको घर में घुस के गोली मारी थी उसको, जिसके बाद उसकी मृत्यु हो गई थी। पुलिस ने इस घटना को बहुत कम समय में अभियुक्तों की गिरफ्तारी की है। जो अभियुक्त इसमें बच गए हैं उनके भी सभी गिरफ्तारी पुलिस जल्दी कराएगी और इसमें सारी परिस्थितियों को देखते हुए इसमें पुलिस आगे भी सख्त कार्रवाई करेगी। इनके